वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2016 में रिलीज हुई भौरी मूवी को लेकर आया हूँ। डायरेक्टर ने इस मूवी के जरिए से एक जबरदस्त मैसेज देने की कोशिश की। एक्चुअली ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में 5 लोग अपना राज करते रहते हैं। तभी उस गांव में एक नई दुल्हन प्रवेश करती है। गांव के हर एक मर्द की नज़र उस दुल्हन पर पड़ती है, उसे अपना बनाना चाहते है। सो फाइनली उन 5 का क्या हुआ, इस लड़की का क्या हुआ, इस गांव का क्या हुआ, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जिसकी आबादी भी उतनी ज्यादा नहीं होती। इसी गांव को राज करने वाला चौधरी नाम का एक बंदा होता है। चौधरी के साथ साथ और 4 लोग होते हैं, उसका मैनेजर, पंडित, डॉक्टर, बनियान नाम का एक किराना दुकान वाला। इस गाँव में चौधरी की ईंटें बनाने का कारखाना होता है। ऑलमोस्ट गांव के सारे मर्द यहीं पर आकर काम करते रहते हैं। उसी गांव में धनुआ नाम का एक 55 साल का आदमी रहता है। बेचारे धनुआ का आगे पीछे कोई भी नहीं होता सिवाय इसकी काकी के, इसीलिए इसको अभी तक शादी नहीं हुई। फाइनली धनुआ की 55 साल की उम्र में एक लड़की से शादी होती है। इसी लड़की का नाम है भौरी, जो 23 साल की होती है। भौरी इस गाँव में बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। सारी औरतें इसकी तारीफ करने लगती है। सारे गाँव वाले धनुआ की शादी को आते हैं। तभी चौधरी के 2 भाई चौधरी के पास आकर इसको डांटने लगते हैं कि आपको तो हम नजर नहीं आए, उस अधेड़ उम्र आदमी की आपने शादी करवा दी उस खूबसूरत लड़की के साथ। आपने कभी हमारे बारे में सोचा, हमारी शादी कब करवाओगे? लेकिन यहाँ पर एक और बात ये है कि भौरी की ऑलरेडी 3 शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन वो 3 दूल्हे मर गए, इसीलिए पंडित ने इस लड़की की शादी धनुआ से करवा दी। वहाँ की कुछ औरतें भौरी की बदकिस्मती के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन चौधरी उसकी टीम भौरी की सुंदरता के बारे में बात करते रहते हैं कि जो कोई भी लड़की हो हमारे नीचे आना ही है, चाहे आज हो या कल। खैर उसी रात गांव में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। उस गांव में बसंती नाम की एक पागल लड़की रहती है। बसंती अपनी बूढ़ी नानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। सो उसी रात चौधरी के 2 भाई बसंती को जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती कांड करते हैं। कांड करने के बाद बेचारी बसंती को मार भी देते हैं, उसकी लाश को किसी नदी में फेंक देते हैं। सुबह होने के बाद गांव वाले बसंती की लाश को किसी नदी में देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अरुण नाम का एक इंस्पेक्टर इस गांव आता है बसंती की केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अरुण बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके अरुण पहचान लेता है कि इस कांड के पीछे चौधरी के 2 भाइयों का हाथ है। उन दोनों को मार पीट के घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। जब चौधरी अरुण को रोकने की कोशिश करता है, अरुण चौधरी को भी एक छापड़ लगाता है। चौधरी को भी वार्न करता है, अगर तेरी डैश में दम है तो इन दोनों की बेल करवा के दिखा। खैर इस तरफ धनुआ अपने काम पर थोड़ा लेट आता है, क्योंकि कल ही इसकी शादी हुई थी। सो मैनेजर कहने लगता है कि लेट आने पर इसको 20 रुपए काटो, अगर तुमको पूरा पेमेंट चाहिए तो कल रात जो किया वो कमेंट्री की तरह मुझे बताते रहो, तब तुमको काम मिलेगा और पूरे पैसे भी। इस तरह से वो मैनेजर धनुआ का मजाक उड़ाने लगता है। धनुआ कहने लगता है अगर 20 रुपए काटने हो तो काट लो, ऐसा कहकर वो अपने काम पे चला जाता है। इस तरफ काकी और कुछ औरतें भौरी के पास आते हैं और कल रात जो बसंती के साथ हुआ इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और चित्रा काकी उन 5 को कोसती रहती है। वो 5 लोग इस गांव की हर एक औरत का मजबूरी का फायदा उठाकर उन औरतों को इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इस गांव की औरतें करे भी तो क्या करें, किसके पास जाए। सो काकी ऐसा बताते हुए भौरी को वार्न करने लगती है कि तुम भी थोड़ा उन 5 लोगों से बचकर रहना। इस तरफ धनवा उसका फ्रेंड अपना काम खत्म करके बनिया की दुकान के पास आते हैं तेल लेने के लिए। बनिया कहने लगता है अरे धनवा, पैसे तुम अपने पास रखो, मैं तुमको फुकट में सब कुछ दे दूंगा, और वैसे भी तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो, तुम्हारी लुगाई को मेरे दुकान का पता बता दो, वो यहाँ से ले जाएगी सारा सामान। अब धनुआ को बनिया का इंटेंशन पता होता है। बनिया के मुंह पे तेल के पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद भौरी धनुआ को पानी वानी देती है। अब बेचारे धनुआ की पहली शादी होती है, इसको नहीं पता कि मुंह दिखाई पर कुछ देना पड़ता है, काम पर धनुआ के फ्रेंड ने बताया था। सो धनुआ अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर भौरी के हाथ में थमा देता है। खैर जो भी हो, इस तरह से इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगती है। धनवा भौरी को उन 5 लोगों से बचाते रहता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में अरुण चौधरी के 2 भाइयों को एक पेड़ से बांधकर उनकी खूब धुलाई करते रहता है। चौधरी एक लॉयर के साथ अरुण के पास आता है अपने 2 भाइयों को बेल दिलवाने के लिए, लेकिन अरुण उस लॉयर को डरा धमकाकर वहां से भेज देता है। चौधरी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।
अरुण दोबारा चौधरी को वार्न करने लगता है। खैर सिर्फ बनिया, डॉक्टर, मैनेजर, पंडित ये चारों लोग किसी मंदिर के पास मुलाकात करते हैं और फिलहाल ये चारों लोग भौरी और धनुआ के बारे में ही बात करते रहते हैं कि जब से धनुआ की शादी हुई धनुआ को बहुत चर्बी चढ़ी है, वो साला हम चारों को प्रणाम भी नहीं करता। मैनेजर कहने लगता है कि मन करता है उसके साथ मैं जबरदस्ती कांड कर दूं। डॉक्टर कहने लगता है ये मत करना, देखा ना चौधरी के दोनों भाइयों का हाल क्या हुआ, जब तक वो पुलिस ऑफिसर हमारे गांव में है हम ऐसे काम नहीं कर सकते और वैसे भी हम लोगों को गांव से कुछ प्रसाद मिल ही रहा है ना, आज नहीं तो कल भौरी भी हमारे पास आ जाएगी। और उसी तरह धनवा को कैसे मजबूर करे ये भी प्लान करते रहते हैं। खैर इस तरफ धनवा के घर के बगल में ही इसका एक दोस्त रहता है बुधवा, इसकी बीवी का नाम होता है मालती। मालती भौरी को लेकर कुएं के पास जाती है, मतलब उसे कुआं दिखाने के लिए, पानी लाने के लिए। कुएं के पास कुछ औरतें भौरी को देखकर भौरी के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं कि अब तक इसने 3 लोगों को खा गई, अब धनवा की बारी। तभी वहां पर पंडित आता है। इस पंडित को देखकर एक औरत उस पंडित के पास जाती है। पंडित इस औरत से कहने लगता है कि तुमने बहुत दिनों से अपनी शुद्धि नहीं करवाई, आज शाम मंदिर के पास आ जाओ तुम्हारी शुद्धि करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए पंडित इस औरत को 50 रुपए देता है। मतलब इस तरह से वो पांचों लोग मजबूरी का फायदा उठाते रहते हैं। खैर एक दिन मालती की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बहुत बुखार आता है। काकी मालती को कुछ पैसे देकर डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। सो भौरी और मालती ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मालती से 20 रुपए लेकर उसके बच्चे को इंजेक्शन डालता है और इसी तरह टैबलेट देने के बहाने से भौरी को इधर उधर टच करते रहता है। भौरी को भी इनडायरेक्टली अपने पास आने के लिए कहते रहता है। तभी मालती पूछने लगती है कि डॉक्टर अगर इससे भी कम नहीं हुआ तो क्या करना होगा। डॉक्टर कहने लगता है अरे मैं हूँ ना, तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा, कल तक बुखार कम नहीं हुआ तो दोपहर में मुझे बुलवा लेना। उसके बाद जब भौरी अपने घर आती है तब तक धनुआ अपने घर आ चुका होता है, क्योंकि काम के दौरान धनुआ बहुत खांसते रहता है। सो मैनेजर धनुआ की पगार से 20 रुपए काट कर उसे घर भेज देता है। मतलब इस तरह से धनुआ पर प्रेशर डालते रहते हैं। रात होने के बाद वो पांचों लोग किसी जगह पर मीटिंग लगाते हैं। अब चौधरी के दोनों भाई जेल जा चुके हैं और लॉयर ने कहा था कि बेल करवाने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। सो पंडित चौधरी को एक आइडिया देता है कि हर एक मजदूर की पगार से 30 रुपए काट लो, वो पैसे बच जाएंगे। सो चौधरी को इस पंडित का आइडिया बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन चौधरी का मैनेजर सारे लेबर्स को बुलाकर यही बात बोलने लगता है कि हर रोज तुम्हारी पगार से 30 रुपए काट लिए जाएंगे, क्योंकि चौधरी के दोनों भाई जेल में है, उनको बेल दिलवाना है। सारे मजदूर आवाज उठाने लगते हैं कि हम काम पूरा कर रहे हैं सो हमको पैसे भी पूरे चाहिए। मैनेजर कहने लगता है कि बेटा जो लोग काम करना चाहते हो यहाँ पर रहो वरना यहाँ से दफा हो जाओ, और वैसे भी मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब धनवा भी अपनी आवाज उठाता है कि पहले से ही धनवा की सैलरी से बहुत सारा पैसा काट चुके होते हैं। मैनेजर धनवा के पास आकर कहने लगता है कि धनवा तुमको पूरी पगार मिलेगी, लेकिन रात में तुम जो मेहनत कर रहे हो वो थोड़ा हमें भी मौका दो, हम भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे। मतलब भौरी को मैनेजर के पास भेजने के लिए कहता है। धनवा इसके लिए राजी नहीं होता, सो वो मैनेजर धनवा को काम से निकाल देता है। इस तरह भौरी मालती के घर जाती है उसके बच्चे को देखने के लिए। सो उस वक्त मालती के बच्चे को सलाइन लगा होता है। ये देखकर भौरी शॉक में रह जाती है कि मालती कब हॉस्पिटल गई। तभी मालती के घर से कुछ आवाजें आती रहती है। जब भौरी उसके घर में झांकने लगती है तो उस घर के अंदर मालती और डॉक्टर कांड करते रहते हैं। मतलब बेचारी मालती अपने बच्चे के लिए अपने जिस्म को बेच दिया। ये देखकर भौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। भौरी चुपचाप वहाँ से भागने लगती है। तभी दूसरे रास्ते से मालती का पति बुधवा आते रहता है। भौरी को घबराया हुआ देख ये भी शौक में रह जाता है। जब बुधवा अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तभी काकी आकर इसको रोक देती है। बेचारा बुधवा भी मजबूर हो जाता है, वो चुपचाप वहीं पर खड़े रहता है। रात होने के बाद भौरी यही बात धनवा से कहने लगती है कि आज मेरी नजरों से मालती दीदी भी गिर गई। धनवा कहने लगता है उसने तो अपना जिस्म बेचकर अपनी ममता का सबूत दिया, इस गांव में यही होता है। भौरी कहने लगती है चलो शुक्र है हमारा तो ऐसा हाल नहीं। धनवा कहने लगता है शायद हमारा भी ऐसा ही हाल होने वाला है, क्योंकि वो लोग मुझे काम से निकाल दिया और वो लोग ये चाहते हैं कि मैं तुमको उनके पास भेजूं। अब तुम्हारी मर्जी भौरी। भौरी रोते हुए धनवा से कहने लगती है नहीं मैं हरगिज उनके पास नहीं जाऊंगी, उससे अच्छा मैं मर जाऊंगी, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से काम चलवा लेंगे, आप फिक्र मत करो। भौरी की ये बातें सुनने के बाद धनवा भी बहुत खुश होता है। दूसरे दिन धनवा चौधरी के पास जाता है। मतलब धनवा को सडनली काम से निकाल दिया गया, सो 7 दिन की पगार देना जरूरी है।
यही पूछने के लिए धनवा चौधरी और मैनेजर के पास जाता है। चौधरी धनवा से कहने लगता है, चलो मैं तुम्हारी 7 दिन की पगार दे दूंगा, लेकिन उससे पहले भौरी को तुम हमारे पास भेजो, वरना तुमको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। यह सुनने के बाद धनवा को बहुत गुस्सा आता है। चौधरी से कहने लगता है, ठीक है चौधरी साहब, मैं अपनी तनख्वाह माफ कर दूंगा, लेकिन आप अपनी लुगाई को मेरे पास भेजोगे? यह सुनने के बाद चौधरी के आदमी धनवा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। बेचारा धनवा बहुत जख्मी हो जाता है। रात होने के बाद वो डॉक्टर धनवा के पास आता है, उसकी जख्मों पर मरहम पट्टी करता है। इसी ट्रीटमेंट के दौरान धनवा बहुत खांसते रहता है। इसी खांसी के दौरान धनवा के मुंह से खून निकलने लगता है। काकी और भोरी शॉक में रह जाते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि अब तो धनवा का ब्लड टेस्ट लेना पड़ेगा, इसके लिए 600 रुपए होंगे। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट लेने के लिए भोरी को कल मेरे क्लिनिक भेज देना, पैसों की चिंता तुम लोग मत किया करो। अब भौरी को उस डॉक्टर का इंटेंशन पता होता है। भौरी फौरन अपने घर से कुछ पैसे लाकर उस डॉक्टर को दे देती है, ब्लड सैंपल्स लेने के लिए कहती है। उसके बाद एक दिन भौरी मंदिर के पास जाती है अपना माथा टेकने के लिए, क्योंकि धनवा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। अब ऑफकोर्स वहीं पर वो पंडित होता है, भौरी से कहने लगता है कि तुम्हारी मनहूसियत की वजह से 3 लोगों को खा गई, अब चौथी बारी धनवा की है, भौरी तुम्हारी शुद्धि करवानी पड़ेगी। बेचारी भौरी भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए कुछ भी करना चाहती है, सो वो पंडित रात को मंदिर के पास आने के लिए कहता है। सामग्री की कोई भी जरूरत नहीं, भौरी यही बात धनवा को आगे बताती है। धनवा उस पंडित के इंटेंशन को पहचान लेता है। भौरी को डांटने लगता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, अगर पूजा पाठ से मेरी तबीयत ठीक होती तो डॉक्टर्स किस लिए। उसी रात चौधरी और उसकी गैंग मीटअप करते हैं, और इस बार डॉक्टर के पास भौरी को हासिल करने का एक जबरदस्त आइडिया हाथ आया है। सो दूसरे दिन चौधरी और उसकी गैंग सारे गांव वालों को पंचायत में बुलाते हैं। डॉक्टर धनवा की रिपोर्ट दिखाते हुए गांव वालों से ये कहने लगता है कि धनवा को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है, एक बहुत बड़ी महामारी, ये महामारी सारे गाँव वालों को भी लग सकती है। उस बीमारी का नाम है एड्स, धनवा को एड्स है। ये सुनने के बाद सारे के सारे गाँव वाले धनवा के पास से दूर चले जाते हैं। सो चौधरी ये फैसला सुनाता है कि धनवा और उसकी फैमिली को गांव से दूर रख दिया जाए। बेचारा धनवा भी इसी बात को सच समझ बैठता है, गांव से बहुत ही दूर जाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है, और उसी तरह भौरी काकी को अपने पास आने से मना करते रहता है। लेकिन भौरी तो धनवा की धर्म पत्नी है, धनवा की सेवा करती रहती है, वो भी उसके साथ काम में हाथ बटाती रहती है। खैर अब ये लोग घर तो बना लेते हैं, लेकिन कमाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ता है। तो बेचारी भौरी इंडो का काम करने के लिए चौधरी के पास ही जाती है। जब भौरी बेचारी काम करती रहती है, पीछे से मैनेजर भौरी का मजाक उड़ाते रहता है, मतलब उसको गंदी नजरों से देखते रहता है, उसे अपने पास बुलाते रहता है। इसी दरमियान में इस गांव में शेखर नाम का एक बंदा एंट्री देता है। शेखर इस गांव में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया है, सो काकी शेखर को अपने घर में पनाह देती है। इसके लिए शेखर काकी को कुछ पैसे देते रहता है। अब काकी तो खाना नहीं बना सकती, क्योंकि ये भी दिन में काम करने के लिए कहीं पर जाती है, तो काकी धनवा से बात करती है, भौरी को खाना बनाने के लिए कहती है। इसके लिए वो शहरी बाबू शेखर इनको कुछ पैसे भी देगा। धनवा और भौरी इसके लिए राजी हो जाते हैं, मतलब बैठे बिठाए इन दोनों को कुछ इनकम आ रहा है। इस तरह से हर रोज रात शेखर धनवा के घर आता है खाना खाने के लिए। इसी दरमियान में एक दिन जबरदस्त बारिश होती रहती है। अब धनवा तो गांव में नहीं जा सकता, सो धनवा भौरी से कहने लगता है कि शेखर को गांव में छोड़कर आए। भौरी भी इसके लिए राजी हो जाती है। सो भौरी और शेखर ये दोनों गांव में जाते रहते हैं। बहुत चीकड़ होने की वजह से ये दोनों फिसल के नीचे गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब भौरी ने बहुत दिनों से कानवान नहीं किया होता, और ऊपर से शेखर एक नौजवान लड़का है, इन दोनों के अंदर एक आग लग जाती है। ये दोनों वहीं पर कान करने लगते हैं। तभी ये चीज एक बंदा हकते हकते देख लेता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन सारे गांव वाले शेखर को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, और ऊपर से इन गांव वालों को ये भी ईर्ष्या होती है कि हमने भौरी को नहीं पाया, ये बाहर वाला बंदा आकर भौरी के साथ कान कर दिया। सो मार पीट के शेखर को गांव से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद सारे के सारे गांव वाले भौरी पर भी इल्जाम लगाने लगते हैं कि भौरी ने बहुत बड़ा पाप किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी काकी भौरी की फेवर में बात करती रहती है, उन पांचों लोगों से सवाल करने लगती है कि तुम लोग कौन से दूध के धुले हो, और चौधरी तुम्हारे दोनों भाइयों ने क्या किया था, एक पागल लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया, उसे क्या कहते हो। इस तरह से काकी सारे गांव वालों का मुंह बंद कर देती है। खैर अब धनवा भौरी पर बहुत भरोसा करता था, भौरी ने धनवा का भरोसा झटके से तोड़ दिया। सो भौरी को छोड़कर वो अपनी झोपड़ी में चला जाता है। काकी धनवा को समझाने लगती है कि बेटा भौरी को छोड़ के मत जाओ,
तुम्हारे सिवा इसका कोई भी नहीं है। लेकिन धनवा नहीं मानता। बेचारी भौरी अकेली अपने घर में जिंदगी गुजारती रहती है। उसी रात वो पांचों लोग एक दूसरे को ना बताते हुए चोरी चुपके भौरी के घर आते हैं, उसके मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि अब भौरी अकेली है। इन पांचों को देखकर भौरी बोली लगाने की बात करती है, मतलब आज रात जो कोई भी मेरी ज्यादा बोली लगवाएगा मैं उसी की हूँ, मैं उसी के साथ कांड करूंगी। तो बनिया के पास बहुत पैसा होता है, बाकी चारों से ये ज्यादा बोली लगाता है, भौरी को उस रात के लिए हासिल कर लेता है। इस तरह से हर रोज रात उन चारों में से एक एक बंदा भौरी के पास आते रहता है। जब ये बात काकी को पता चलती है, काकी भौरी के पास आती है, उससे सवाल करने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। अब भौरी की जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी होती है। भौरी ने जो पैसा कमाया वो काकी को देकर कहने लगती है कि काकी ये पैसा इस गांव के हर एक औरत को दो जिसको पैसों की जरूरत है, अगली बार वो औरतें अपना जिस्म ना बेचें। इस तरह से भौरी अपने आप को बेचकर उस गांव की औरतों का भला करने लगती है। खैर अब चौधरी के दोनों भाइयों को बेल नहीं मिल रही होती। चौधरी कुछ पैसे लेकर बसंती की नानी के पास आता है केस वितरा करने के लिए, लेकिन इस बूढ़ी औरत से चौधरी को ये बात पता चलती है कि बसंती और कोई नहीं चौधरी की बेटी है, मतलब इस बुढ़िया की जो बेटी थी इसके साथ चौधरी का चक्कर था। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद इस बुढ़िया का बेटा शहर चला गया, लेकिन फिर भी बसंती की माँ माँ बन गई। और रिसेंटली चौधरी के भाइयों ने ही बसंती की इज्जत लूट ली, उसको मार दिया। ये सच जानने के बाद चौधरी टूट के बिखर जाता है। इसी सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए उसी वक्त चौधरी घर आकर मर जाता है। खैर इस तरफ जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं गांव का हर एक बंदा भौरी के पास ही आता रहता है। हालांकि भौरी का प्रेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारे लोग भौरी के पास आते रहते हैं। और जब दूसरे औरतों को पैसे देकर उनके साथ कांड करने की कोशिश करते हैं, वो औरतें उन पांचों लोगों का पैसा उनके मुंह पे फेंक देती है, क्योंकि भौरी अपने आप को बेचकर इन औरतों की जरूरतें पूरी करती रहती है। खैर इसी दरमियान में डॉक्टर की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है। तकरीबन 3 महीनों से बुखार नहीं उतर रहा होता। जब डॉक्टर अपनी बेटी का ब्लड टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी को एड्स है। डॉक्टर फौरन अपनी बेटी के पास आकर इसे मारने पीटने लगता है और पूछने लगता है कि बता तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया, किसके साथ कांड करके ये महामारी ला बैठी। इसकी बेटी कहने लगती है आपके कंपाउंडर के साथ। डॉक्टर फौरन अपने कंपाउंडर के पास जाकर उसे मारने पीटने लगता है। वो कंपाउंडर कहने लगता है कि मैंने तो भौरी के पास गया था, उसके बाद क्या था। ये सुनने के बाद डॉक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब इस गांव का हर एक मर्द भौरी के पास गया और शायद हर एक मर्द को ये बीमारी हो सकती है। देखते ही देखते उस गांव में बहुत सारे मर्दों की मौत हो जाती है। ये जान लेने के बाद मीडिया वाले डॉक्टर्स उस गांव में आते हैं। सो जितने मर्दों को टेस्ट किया उन सारे मर्दों को पॉजिटिव होता है, मतलब उन लोगों को HIV होता है। तभी गाँव वालों को धनवा के बारे में याद आता है कि पहले इस गांव में धनवा को ही HIV/AIDS आया था। गांव वाले धनवा को मार पीट के इस मेडिकल कैंप पर लाते हैं। डॉक्टर से इसका भी ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन यहां पर शॉकिंग बात ये होती है कि धनवा को HIV पॉजिटिव नहीं होता, मतलब धनवा को कुछ भी बीमारी ही नहीं होती। गांव वाले यही बात डॉक्टर से सवाल करते हैं। अब डॉक्टर जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि हम पांचों ने भौरी का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन धनवा इनके बीच में था, इसीलिए इन पांचों ने धनवा के खिलाफ ये प्लान बनाया। ये सुनने के बाद अर्जुन ही पब्लिक को फैसला करने के लिए कहता है। सारे गांव वाले उन चारों को दौड़ा दौड़ा कर मारने पीटने लगते हैं। इस तरह धनवा को ये एहसास होता है कि शायद मुझे भौरी को माफ कर देना चाहिए। जब धनवा भौरी के पास जाता है तब तक भौरी आत्महत्या कर चुकी होती है। ये देखकर बेचारा धनवा बहुत रोने लगता है। उसके बाद गांव की सारी औरतें बहुत इज्जत के साथ भौरी का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने, जो लोग दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं उनकी खुद की जिंदगी बर्बाद होके रह जाती है। गांव के वो पांच बड़े लोग हर एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाया और इसी तरह भौरी को भी अपनी हवस का शिकार बनाने का सोचा। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।